गुरु प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए दंडकार जी। आज का टॉपिक है संत स्वभाव। प्यारी सत्संग जी, संत स्वभाव परोपकारी होता है। संत सदैव सबका भला ही करते हैं। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में है, परमारथ के कारण चारों धारे देते हैं। संत जो होते हैं धरती के लिए वरदान होते हैं। संत जब इस दुनिया में आते हैं तो केवल और केवल भला ही करते हैं, सारे संसार का भला करते हैं। जितने भी संत महात्मा वली पीर पैगंबर इस धरती पर आए, सबने परोपकार ही किया है, केवल भलाई का ही काम किया है, सबको बचाया है। संत इस धरती पर भगवान का अवतार होते हैं। संत के घट से भगवान प्रकट होता है। निरंकार संतों के घट में बैठकर मानवता की सेवा खुद करता है, ये चुनता है। निरंकार चुनता है जिसको, ये चुन लेता है, फिर उस घट में बैठकर ये खुद सेवा करता है। सेवा तो आप निरंकार करता है, लेकिन नाम ऊंचा करता है संत का। तो संत सदैव परोपकार करते हुए चले जाते हैं। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज सारी धरती में संत वरदान बनके सारी मानवता का भला कर रहे हैं। संती इस धरती को स्वर्ग बनाते हैं, इस दुनिया में अमन और शांति का पैगाम देते हैं। जब भी संत धरा पर आते हैं तो धरती का रूप सुंदर बना देते हैं। संत एक महान जीवन है, एक महानता का नाम संत होता है। जिनका जीवन महान हो गया फिर वो संत बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं महापुरुष। हमने अक्सर एक कहानी भी सुनी है कि एक संत जी थे, कहीं नदी के किनारे गए और देखा तो पानी में एक बिच्छू डूब रहा था। तो संत जी बार बार उस बिच्छू को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिच्छू बार बार उन्हें डंक मार रहा है। ये घटना बगल में एक सज्जन व्यक्ति ने देखा और पूछा कि महात्मा जी आप क्या कर रहे हो, ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है फिर भी आप इसको बचा रहे हो। तो आगे से महात्मा जी ने कहा कि ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारना, तो ये अपना स्वभाव तो नहीं छोड़ रहा है, इसका स्वभाव ही ये डंक मारना। तो जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है डंक मारने का, तो फिर मैं मेरा स्वभाव क्यों छोड़ूं? मेरा स्वभाव है सबको बचाना। तो ये होता है, ये कहानी के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास यही किया जा रहा है कि संत सबको बचाते हैं। जब भी दुनिया में आते हैं तो मानवता को बचाते हैं, मानवता की रक्षा करते हैं। संत स्वभाव मधुर होता है, मृदुभाषी। संत सदैव विनम्रता में रहते हैं। संतों के अंदर दया होती है, क्षमा होता है, परोपकार होता है, मितवर्तन भाईचारा। संत के अंदर होता है दिव्य गुण, क्योंकि ये परमात्मा के साथ में जुड़े रहते हैं। संत इस तरंकार के साथ जुड़कर शांत हो जाते हैं। शांत स्वभाव, संत का स्वभाव होता है शांत स्वभाव। संत शांत रहते हैं, कोई अगर सामने से कुछ इन्हें बोल भी देता है तो चुप रहते हैं, ये सहनशील होते हैं। इनके अंदर सहनशीलता होती है और संति होते हैं जो सबको झेल लेते हैं, वरना तो बात बात पे संसार में झगड़े हो जाते हैं। किसी ने एक बात कही तो सामने वाला दो बात बोलेगा।
लेकिन जो संत होते हैं वो सहनशील होते हैं, वो सबको झेलते हैं, सबकी बात को सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि ये निरंकार के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो जब निरंकार के साथ ये संत महात्मा जुड़ते हैं तो सारे गुण निरंकार के इनके अंदर आते हैं। तो संत बनना तो बहुत कठिन है, जो संत बन गया फिर वो बेअंत हो गया, जो बेअंत के साथ जुड़ जाता है वो संत बन जाता है। जीवन में जिसके संत आते हैं फिर उसके जीवन में आता है बसंत। तो संत सबके दुख दर्द को दूर करते हैं, संत के पास जो आता है वो सुखी हो जाता है। संत मिल जाए तो भगवान मिल जाते हैं, संतों के दर्शन जो होते हैं प्रभु के दर्शन होते हैं। संतों के दिल में सबके लिए दुआ होती है, भले की भावना होती है। संत किसी का दुख दर्द देखते नहीं हैं, अगर कोई रोता हुआ चेहरा सामने आ गया तो संत उसको हंसाते हैं, कोई गिरा हुआ है उसको उठाते हैं, कोई मुश्किल में है, दुखी है, तकलीफ में है तो उसको वो हंसाते हैं, मानवता को बचाते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, सबका भला करते हैं। जो उनके बारे में बुरा सोचता है, जो संत के बारे में बुरा सोचता है तो संत उसका भी भला कर देते हैं, बुरे का भी भला कर देते हैं। और अरदास दातार से करते हैं कि हे मालिक बुरे का भी तू भला कर दे, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण, तेरे भाणे सर्वत का भला। सबके लिए अरदास प्रार्थना करते हैं पूरी मानवता के लिए कि दातार सबका भला कर दे, सबके जीवन में सुख चैन आ जाए, सुख शांति आ जाए, सभी मिलवर्तन भाईचारे के साथ रहें। ये होता है संत स्वभाव, सबके लिए भला करना, सबके लिए अरदास करना, सबका भला मांगना, सबके लिए दुआ करना। तो ऐसा महान स्वभाव होता है संतों का। संत महात्मा इस धरती में वरदान बन के आते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी अक्सर अपने विचारों में फरमाते थे कि संत जो होते हैं धरती के लिए वरदान होते हैं, संत इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं, संत धरती पर राम राज्य लेकर आते हैं, इस धरती को स्वर्ग बनाते हैं। तब आज संत निरंकारी मिशन के जितने भी संत हैं, ये संत सारी दुनिया के लिए वरदान है, सारी धरती के लिए वरदान है। इस दुनिया में अमन शांति का पैगाम दे रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं, सारी दुनिया के लिए अरदास प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि मेरे मालिक सबका भला कर दे। कर दुआ ऐ मेरे दिल सभी के लिए कि आदमी जी सके आदमी के लिए, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। तो यही अरदास प्रार्थना संत सब के लिए करते हैं, सारी मानवता के लिए कि मेरे मालिक सबका भला कर दे। सबका भला करना, सबका परोपकार करना, सबके दुख दर्द में साथ देना, ऐसा महान स्वभाव होता है संत का। संत स्वभाव परोपकारी होता है, संत सदैव सबका भला ही करते हैं। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद।